भाई फ्यूल अप तो हो गया हमारा डन, फुल टंकी हमने करा ली यार। मेरठ वासियों मुबारक हो। और तुम्हारा भाई जा रहा आज यार घूमने, काउंटडाउन इज बिगिन नाउ। तो बस अगले 2 महीने का और इंतजार है बस। जय माता दी मेरे दोस्तों, भाइयों बंधुओं, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका भाई ऋषभ चौधरी और भाई स्वागत करता हूं आपका नए अंदाज में। बिल्कुल जैसे कि पहले जिस अंदाज में हो रहा था उस अंदाज में आज नहीं है, ये मुझे पता है। तो नई मतलब नई क्या है, इतने दिनों बाद हम क्या है कि व्लॉगिंग दोबारा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि भाई बीच में थोड़ा सा सिचुएशन ये थी कि जिन्हें पता हो ना पता, माता श्री का हाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य बेकार चल रहा था, जिस कारणवश जो है हम व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे। और अभी क्या है कि आज है भाई नौराता अष्टमी, हाँ अष्टमी है आज, कन्या पूजन है। तो अभी तैयार वैयार तो है नहीं, बाहर बाइक निकाली थी और बाहर बाइक निकालते निकालते पता चला कि हमारे आस पड़ोस के बच्चों ने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी है। मैं कह जब इन्होंने शुरू कर दी तो मैं क्यों रहूँ उनके पीछे। तो भाई मेरा ही फर्ज बनता है हम लोगों को अपडेट देना कि भाई अब तुम्हारा भाई जो है रेगुलरली व्लॉग करने वाला है। हाँ बस ये व्लॉग क्या होंगे, कुछ बाइक से होंगे, कुछ कार से होंगे, कुछ हो सकता है पैदल भी हो 2 नंबर की बस से 11 नंबर की बस से। लेकिन देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें घटित नहीं। अब मम्मी को भी रेडी करेंगे हम ज़रा थोड़ा घुमाने फिराने के लिए, तो कुछ व्लॉग्स आगे के अब जल्दी से तड़कते भड़कते आएंगे। और अभी आज के भी ज़रा फैमिली इंक्लूड होगी। तो फिलहाल भाई सुबह वैसे 4 बजे का अलार्म लगाया था, उठ पाया नहीं था, मैं उठाऊँ वही 5 बजे उठ करके भाई बाकी थोड़े बहुत काम करें, बाइक स्कूटी बाहर निकाली या रोड चीज़ें, अब ज़रा चल करके अपनी ग्रूमिंग कर लें, थोड़ा सा नहाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम लोग हो चुके हैं रेडी, फुल भाई फिट फॉर फाइन हो गए हैं, नहा धो करके सेट पर, पीछे मम्मी लग चुकी हैं करने के लिए तैयार हो। अब हम भी काम बटाएंगे, हम भी अब लगेंगे ज़रा करवाने के लिए मामला, क्या बन रहा है क्या बन रहा है। यहाँ तैयार हो रही है, क्या हो रही है, ये तो अभी उबला हुआ पानी है, हैं मम्मी मम्मा ये तो उबला हुआ पानी है, हैं। देखो दोस्तों जादू दिखाता हूँ अभी, ये उबला हुआ पानी और चुटकी बजाते ही ये देखो पानी उबलता हुआ कैसा हो चुका, कलर बदल गया, ये तो क्या बनाना था क्या बन गया। एक दिन और मैं एक मैंने ऐसा जादू करा था, मतलब पानी के साथ साथ, मतलब एक में पानी उबाला और दूसरे में तुरंत ही वो कुछ और बन गया था जैसा आज बना। तो गाइस पूजा इज डन नाउ, अब नंबर आ चुका है कहेगा कन्ने जी मानेगा, तो कन्ने जी माते जरा बिठा गए स्टेट्यू। सो हे गाइस, सीधा सीधा हम आपको मिले हैं भाई बैकग्राउंड चेंज में, लोकेशन चेंज, और तुम्हारा भाई जा रहा है आज यार घूमने। सीन बताता हूँ सीन क्या हुआ कि भाई जो अपना पिछला सीन आपने देखा ना वो कल का था, क्योंकि ये हुआ था कि भाई कन्या बैठाने के बाद हम लोग कहीं जा नहीं पाए थे, उसके बाद घूमने फिरने मैंने सोचा था कि कुछ काम निपटा लूँगा बट वो काम हो नहीं पाए। सो मैंने कहा ठीक है, फिर छोटे वाले को मैंने बोल दिया था तू निपटा दे वो वाले काम जो भी थे, थोड़ा सा पर्सनल काम थे। तो आज हम लोग निकल रहे हैं भाई, मन कर रहा था क्योंकि यार बहुत सारे लोग हैं, किसी ने बताया था कि दुर्गा पूजा दशहरा के दिन होती है, तो वही चीज़ हम लोग आज जा रहे हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। सीधा यहाँ से हम निकल रहे हैं दिल्ली, दिल्ली कहेंगे हम या गुड़गांव कह सकते हैं, कहीं भी कह सकते हैं वैसे तो। सुबह के अभी टाइम हो रहे हैं लगभग भाई 10 बजने वाले 9:45, मुझे 8 बजे यहाँ से निकलना था, और देखते देखते ना इतना ज़्यादा टाइम लग चुका है कि क्या ही करें, कोई बात नहीं बट निकलते हैं सीधा, और सीधा पकड़ेंगे अपना एक्सप्रेस वे, और एक्सप्रेस वे से हम लोग पहुँचेंगे भाई सीधा का सीधा दिल्ली। अब दिल्ली पहुंच करके कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ से पहुंचने में, क्योंकि भाई आज है दशहरा, सीधी सीधी बात ये है। तो पूरा मैं अब सोच रहा था ना 58 से जाऊँ बट मैं वहाँ से जा नहीं रहा हूँ, कारण यही है कि यार पूरा का पूरा ट्रैफिक मिलेगा, आपको पता है छुट्टी बेशक है आज सैटरडे है वैसे तो, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है।
दैट्स वाई मैंने भाई चूज करा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अभी जा रहा हूँ मैं कुछ सामान लेने के लिए और वहाँ से सीधा अपन निकले एक्सप्रेसवे, और फिर पहले भाई गाड़ी की कराते हैं फ्यूल अप। अभी खैर फ्यूल तो बत ही रहा है गाड़ी में, इन टाइम हो जाएगा पूरा, तो चलते हैं ज़रा मिलते हैं अभी आगे। टाइम टू फ्यूल अप, पहले कराते हैं भाई टंकी फुल, बाद में करेंगे आगे सफर को चालू। टंकी फुल कित हो जाएगी, कित हो जाएगी, कितो 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 कितो। यहाँ से हम कराएंगे अब टंकी फुल, टैंक फुल कराते हैं पहले भाई। फ्यूल अप तो हो गया हमारा डन, फुल टंकी हमने करा ली है, और मेरठ वासियों मुबारक हो, जल्दी से ही भाई रैपिड रेल पूरे मेरठ के अंदर अंदर तक आ जाएगी, क्योंकि मेरठ साउथ तक तो पहुंच ही चुकी है। मेरठ साउथ मीन्स मांगे चलो प्रतापपुर, प्रतापपुर तक आपकी मेट्रो आ चुकी है। तो दोस्तों देखो सीन कुछ इस कदर है कि हमारा जो भाई अब इस टाइम गुड़गांव जाने का जो सीन है वो सिर्फ आज का मैं बताऊं तो दुर्गा पूजा देखने का ही नहीं है, एक और भी काम है ज़रूरी, जो कि काम भाई सबको दिखाई देगा तभी मज़ा आएगा। बोलने से तो खैर क्या ही होगा, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा, काउंटडाउन इज बिगेन नाउ। तो बस अगले 2 महीने का और इंतज़ार है, बस 2 महीने में तहलका मचने वाला है थोड़ा सा। अब आप लोगों को थोड़ा पता भी हो सकता है कुछ भाइयों को मेरे, या कुछ दोस्तों को, कुछ जिनको पता उनको पता, कहने का मतलब तो भाई कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है, जिसके लिए मैं भाई प्रिपेयर होकर के चल रहा हूँ, करके चल रहा हूँ। अब जल्दी से जल्दी बस हो जाए यही सोच रहा हूँ मैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा मुझसे। कहने का मतलब भाई बहुत ही तगड़ी चीज़ होने वाली, बहुत ही तगड़ी, ऐसी तगड़ी चीज होगी कि बहुत लोगों के तो चुन मतलब कहते हैं ना सीने पर सांप लौट जाएंगे। और बहुतों के मुंह भी उतर जाएंगे, कुछ खुश भी होंगे। ऐसे मेरे कुछ खास हैं, मेरे यार दोस्त, मेरे यारे प्यारे, तो उन लोगों को खुशी भी होगी बहुत ज़्यादा, और जो फूकने वाले हैं, जो जलने वाले हैं, वो जलेंगे, और हमारा काम ही लोगों को जलाना है ना भाई। मैं सही बताऊँ, सारे काम करो, चीज़ें रखो, लिमिट से रखो, घूमना फिरना शहर का मतलब खाना पीना मौज मस्ती, बट है ना भाई देखो एक चीज़ है करियर, दूसरा चीज़ है पैशन। करियर सारा तुम्हारा यार, अब तुम्हारा भाई स्टडी बेस पे तुम कर रहे हो, चीज़ें बना रहे हो, करियर तुम एज अ पैशन भी बना सकते हो, बट अब पैशन में मैं क्या ही बताऊँ, आप सबको पता ही है। जैसे भाई अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, जैसे कि मम्मी का ऑपरेशन हुआ था यार, तो मैं मार्च से है ना बहुत ज़्यादा बन चुका था, जिससे कि मैं ना तो कोई ब्लॉग कर पा रहा था, ना मैं राइड मार पा रहा था, ना ही मैं कहीं ट्रैवल कर पा रहा था, घर में मतलब बंद हो चुका था एक तरह से मैं। तो बीच बीच में ना थोड़ा सा यार, जब घर घर में रहते हैं ना तो फ्रस्ट्रेशन बहुत हो जाती है, कोशिश करी भी कि थोड़ा जाएं लंबा घूम के आएं, बट वही सीन था कि कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिल पाता, तो क्योंकि घर में कोई और है नहीं देखभाल के लिए मम्मा की, तो इसी वजह से भाई। बट क्या है कि देखो आज ये सीरीज़, आज हमारे जो एपिसोड्स हैं, मे बी कोशिश मैं पूरी करूँगा भाई, मैं ये नहीं कहता कि कर ही दूंगा, क्योंकि यार बीच बीच में ना अगर भाई मैं बताऊँ फैमिली प्रॉब्लम जब आ जाती है ना, तो प्रायोरिटी में फैमिली को रखना पड़ता है, तो सीन यही है कुछ। तो अभी कोशिश हम पूरी करेंगे, आज दुर्गा माता का आशीर्वाद लेकर के हम प्रण लेंगे, निश्चय करेंगे कि भाई अब से हम यार कोशिश करेंगे डेली की डेली हम ब्लॉग अपडेट करते रहें, है ना। ये बीच में जब रिदम टूट चुका ना, तो उस रिदम टूटने की वजह से ना बहुत सारी दिक्कत हुई, वो दिक्कत ये भी हुई कि मैं ब्लॉग अपडेट नहीं कर पा रहा। सेकंड थिंग इज़ ये कि भाई इंस्टाग्राम पे रील भी मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं डाल पा रहा हूँ, वो ये कभी कभी डाल पा रहा हूँ, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा एक अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल जाता है, वो भी कैसे जब 4-5 रील डल जाती हैं उसके बाद। तो इस तरह से मतलब यार मैं डेली ऐसे नहीं है कि दो तीन रील डाल लूँ, ऐसा रहता है कि कभी एक डाल दी, मन हुआ तो कुछ कंटेंट पड़ा है तो मैंने 2 भी डाल दिया, अपलोड कर दिया, बट यार उस पर ना भाई हो गो सपोर्ट चाहिए जोरों शोरों से। मुझे पता कुछ तो सपोर्ट करते हैं और कुछ भाई मतलब सपोर्ट तो नहीं करते, पीछे से भी कुछ अतरंगी चीज़ें करते हैं, जैसे कि बीच में हुई भी थी मेरे साथ कमेंटबाजी, डिसलाइक करना, ये और वो, तो भाई जलो मत ना यार, बराबरी करो जितनी हो सकती है,
अब मैं वही है कि यार इतना ज्यादा लंबा व्लॉग करना नहीं चाहता, क्योंकि आज मैं माता की पूजा करने जा रहा हूँ। तो हम जा रहे हैं, और जहाँ हम जा रहे हैं ना, तो वो जगह मेरे ख्याल से एग्जैक्ट दिल्ली में ही है। दिल्ली में हम कहाँ जा रहे हैं, देखो अगर भाई सारा कुछ ठीक रहा तो थंबनेल में आपको पता लग गया होगा वेयर वी आर गो। तो अच्छे से जाएंगे, पूजा करेंगे, मांगेंगे माता से अच्छी सी चीजें आपके लिए भी अपने लिए भी, ठीक है। तो बाक्स सफर ज्यादा लंबा हो जाएगा, चलते हैं, ज्यादा लंबा व्लॉग हम करेंगे नहीं। Okay, now we freeze.